दोस्तों खबर बहुत बड़ी आ रही है और इस वक्त इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। आपको मैं बता दूं, जंतर मंतर पर बैठकर जो महिलाएं, जो महिला खिलाड़ी जो प्रोटेस्ट कर रही है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, आज उन लोगों ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि पूरे देश से लोग जो है वो ट्रैक्टर लेकर जंतर मंतर पर पहुंच जाए इमिजिएटली। आपको मैं बता दूं, कल रात जो ये ऐलान किया गया, उस ऐलान की वजह ये थी कि दिल्ली पुलिस जो है वो अब ऊंची हरकत पर उतर आई है। बताया जा रहा है कि इन लोगों को मारा गया है, माँ बहन की गाली तक दी गई है इन लोगों को, और बहुत ऐसे वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है जिसमें देखने को ये मिला कि महिला खिलाड़ी जैसे कि विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, वो रोती हुई दिखाई दे रही है। क्या कह रही है इस वीडियो में, ये आप जरा सुनिए। ड्यूटी थी लेकिन वो इधर ही बैठे थे, वो अपने आप अकेले थे। आप सभी देशवासियों से अपील है, ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है, आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ, अगर अब नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे बेटियों की इज्जत को। सुन लिया आपने किस तरीके से विनेश फोगाट है और जितनी महिला खिलाड़ी जो प्रोटेस्ट कर रही है, और उन लोगों ने यह ऐलान कर दिया है कि ट्रैक्टर लेकर जल्द से जल्द जो है वो जंतर मंतर पहुंच जाया जाए, क्योंकि अब ये बड़ा प्रोटेस्ट बन गया है जिस तरीके से पुलिस ने कल रात इन लोगों के साथ जो बदसलूकी की है, जो मारपीट और जो गाली गलौज किया गया है देश की महिलाओं के खिलाफ, और वो भी उन महिलाओं के खिलाफ जो कि हमारे देश को सम्मान दिलाती है, जो मेडल लेकर आती है, उन लोगों के साथ जो बदसलूकी की गई है, उसके बाद पूरा देश जो है वो एक तरफ दिखाई दे रहा है। आपको मैं बता दूं, बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। जिस वक्त ये हुआ है उसके बाद एक पुलिस वाले को पकड़ा गया है जो कि नशे की हालत में था, वो भी आप देख लीजिए इस वीडियो में कि कैसे जो पुलिस वालों को पकड़ा गया है, एक शख्स जो है वो शराब की नशे में था, और उसके बाद ये मामला जो है वो वहां पे बिगड़ा है। ये देखो, इस बंदे ने शराब पी रखी थी और ये अभी भी यहाँ बैठा है, और पूरा प्रशासन तमाश बीन बन के पहलवानों को गाड़ी दिलवाने का काम करा और इन्होंने मारने का काम करा, हमारे दो साथियों का सिर फूट गया। देख लिया आपने, साहिल बाग में यही सब कुछ हुआ एनआरसी के वक्त। उसके बाद जब किसान पहुंचे आंदोलन करने के लिए, तो किसानों के साथ भी यही सब कुछ हुआ, और एक बार फिर से जो हमारी महिला पहलवान है, जो देश के खिलाड़ी है, उन लोगों के साथ भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरेंद्र राजपूत क्या लिखते हैं, भाजपा की पुलिस धरना दे रही पहलवानों के खिलाफ ऊंची हरकत पर उतर आई है। देश के बेटियों पर ये अत्याचार किसी भी सूरत में देश को बर्दाश्त नहीं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बात यहाँ पे खत्म नहीं है। एक समर्थक जो के खिलाड़ियों के समर्थक में थे, वो शख्स का सर तक फट गया है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, इस तस्वीर में आपको समझ में आएगा कि बताया जा रहा है कि इसके जो है वो सर फट गई है और इसके सर से जो है वो खून गिर रहा है। आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से ये सब कुछ कल रात में देखने को मिला, जहां पे महिला खिलाड़ी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही थी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। लेकिन हुआ क्या, हुआ उल्टा ये के बताया जा रहा है, विनेश फोगाट ये बता रही है के जो महिला कांस्टेबल है वो तक नहीं थी, पुलिस वाले जो जेंट्स कांस्टेबल थे वो लोग इन लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। बताइए जा रहा है कि गाली तक दी गई है, मारा तक गया है इन लोगों को। आपको मैं दिखाता हूँ एएनआई की ये खबर। एएनआई ने लिखा है, वेरी इन नीड ऑफ द सपोर्ट ऑफ द होल कंट्री, एवरीवन मस्ट कम टू दिल्ली पुलिस यूजिंग फोर्स अगेंस्ट अस, अब्यूजिंग वोमेन एंड डूइंग नथिंग अगेंस्ट बृजभूषण रेसलर बजरंग पुनिया। यहाँ पे एनआई ने लिखा है कि बजरंग पुनिया जो है वो पूरी कंट्री से ये ऐलान कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सारे लोग जो है वो हमारे सपोर्ट के लिए जल्द से जल्द जंतर मंतर पे पहुंच जाए, क्योंकि मामला जो है वो वहां पे बहुत खराब हो गया। जिस तरीके से कल रात में जो खबर आई और उसके बाद ये देखने को मिला कि कैसे दिल्ली पुलिस ने जो हथकंडे अपनाए हैं इन लोगों के साथ, वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिला सम्मान की बात तो ये सरकार करती है, लेकिन क्या महिलाओं के साथ इस तरीके से गाली गलौज और उनके साथ जो है वो जेंट पुलिस मारपीट करेंगे, इस तरीके से ये देश जो है ये बर्दाश्त कर सकता है कि एक महिलाओं के साथ ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा जंतर मंतर पे, और महिलाओं ने जो सपोर्ट मांगा है पूरी कंट्री से, उसके बारे में आपकी क्या राय है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और महिलाओं के साथ ये सब जो कुछ हुआ है उसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।